नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन से कटा युवक, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने की पुलों पर सेल्फी न लेने की अपील। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा थाना यमुना पार्क क्षेत्र में तिवारीपुर के समीप रेलवे पुल पर ट्रेन से कटकर एक किशोर की मौत हो गई। युवक सेल्फी लेने के दौरान ट्रेन से कट गया। चंद्रवन कॉलोनी में रहने वाले नवीन शर्मा का पुत्र वंश 18 प्रातः करीब 7 बजे घर से स्कूटी पर बंगाली घाट के लिए गया था। बताया गया, वंश ने अपनी स्कूटी को बंगाली घाट पर खड़ा किया और यमुना के रेलवे पुल से होकर गुजरते हुए यमुना के साथ अपनी सेल्फी लेते हुए जा रहा था। इसी बीच ट्रेन आ गई और वह तिवारीपुर के समीप ट्रेन से कट गया। ट्रेन से किशोर को कटते देखा तो लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने वंश की स्कूटी भी बंगाली घाट से बरामद कर ली। परिवार के लोगों को इस बारे में सूचना दी गई। वंश की मौत की खबर लगने पर परिवार में कोहराम मच गया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने लोगों से यमुना के साथ पुल और अन्य ऐसे स्थानों पर सेल्फी न लेने की अपील की है। एसएसपी ने कहा कि देखा जा रहा है कि लोग यमुना के उफान के साथ यमुना के पुल और रेलवे पुल आदि पर इस तरह सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी के चक्कर में लोग इस तरह अपनी जान को जोखिम में न डालें। यमुना के पुलों से होकर ट्रैफिक गुजरता है जिसके चलते उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। अपने जीवन को सही सलामत रखने के लिए इस तरह सेल्फी लेने से बचें। आइए जानते हैं शैलेश कुमार पांडे एसएसपी मथुरा ने क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। यमुना पार क्षेत्र में पुल के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली थी और उस समय लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि ये सेल्फी ले रहा था। उसी समय ट्रेन आई और उससे ये घायल हुए। आप लोगों के माध्यम से भी लगातार खास करके नए उम्र के लड़कों को बताया जा रहा है कि नदी किनारे अभी जल भराव काफ़ी है, नदी का जल स्तर गिर रहा है, परंतु बहाव अभी तेज है, तो यमुना पुल, गोकुल बराज इत्यादि स्थानों पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना हो। नए उम्र के लड़कों में देखा जा रहा है कि वहाँ पे खड़े होके काफ़ी खतरनाक तरीके से सेल्फी लेने का प्रयास करे। कई लोगों को पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई, उनके घर वालों को भी बुला के समझाया गया है। आगे इसमें कड़ी विधि कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से सभी को ये सलाह दी जाती है कि बहाव तेज है, नदी के इर्द गिर्द अनावश्यक रूप से न जाएं, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।